गणेश जी की कृपा प्रभु की कृपा को पाना है तो प्रेम से लबालब भर जाओ, मन को निर्मल करो। देखो लहरों का आनंद वही ले पाता जिसकी नाव खाली हो। भरी हुई नौका लहरों में तैर नहीं पाती, चलती तो है आनंद नहीं दे पाती। लहरों का आनंद खाली नौका से आता है, वैसे ही जिंदगी का आनंद बिना अरमानों में जीने से आता है। 99 का चक्कर बड़ा खतरनाक है, जिन पे 99 रुपया हो गए वो 100 के चक्कर में टेंशन में ही रहते। बोलो सीताराम सीताराम। अच्छा अब तुम कहो गुरु जी हम पे तो भगवान की बहुत कृपा है, व्यवस्था खूब है, अब क्या करें, छोड़ दें सब? नहीं नहीं नहीं, छोड़ना नहीं है, जो है उससे मोह मत करो। एक आदमी सेठ रहा होगा बुराड़ी का, एक सेठ बुराड़ी का और एक महात्मा दोनों ट्रेन में जा रहे थे रेलगाड़ी में। महात्मा को देखकर सेठ ने कमेंट किया, अरे ओ महाराज तुम महात्मा होकर के भी घड़ी पहने टोपी पहने सोना पहने चांदी पहने तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम में और हम में अंतर ही क्या है? तुम घड़ी पहने सो हम पहने, तुम कपड़े पहने सो हम पहने, तुम्हारे पास सोना चांदी है गले में सो हमारे पास, अब आप में और हम में अंतर क्या है? महात्मा बोले सही कह रहे हैं सेठ जी, कोई अंतर नहीं, सब समान है। लेकिन एक जगह रेलगाड़ी रुकी, महात्मा उतरे, सेठ जी से बोले चलो चाय पी लें। चाय पीने के लिए आए तो चाय पी, रेलगाड़ी चलने का समय हो गया, तब तक महात्मा ने दूसरी चाय ऑर्डर कर दी, दूसरी चाय बनाओ। सेठ बोला महाराज अब रहने दो, गाड़ी जा रही, सामान रखा है, सूटकेस रखे हैं, आपका भी सामान रखा। महात्मा बोले रखा रहने दो, ऐसे तो बहुत सूटकेस आए और चले गए, चाय पियो। अब सेठ भागने लगा तो पकड़ लिया हाथ महात्मा ने, कहाँ जा रहे, चाय ले लो चाय, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। अरे सेठ जी से, सेठ जी महात्मा से बोले महाराज क्या पागलों जैसी बात कर रहे, सामान रखा है चला जाएगा, कमाई रखी संपत्ति रखी धन रखा। महात्मा बोले ये तो आना जाना है, कौन चक्कर में पड़े, कल जो तुम्हारा था वो हमारा है, जो आज हमारा है वो कल किसी और का होगा, माया में मत पड़ो, बैठो चाय पियो। रेलगाड़ी छूट गई चली गई, अब सेठ लगा रोने। महात्मा धीरे से बोले क्यों, तुम तो कह रहे थे तुम में और हम में क्या अंतर है, बस इतना ही अंतर है महात्मा के पास जो होता है उसे मुस्कुराता हुआ त्याग कर देता है, और जो त्यागने की क्षमता रखता वही महात्मा होता है। तो भगवान की कृपा कब प्राप्त होगी, बोले जब मन निर्मल होगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा जाने